हाँ जी, वेलकम है साढ़े चैनल पे टी ई ट्रेनर ते। सो अज असी करांगे गल रीडिंग मॉड्यूल दे फिल इन द ब्लैंक्स दी। टू टाइप्स दे हुंदे आ इह, ड्रॉप एंड डाउन, बट अज असी गल करांगे सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग कल्ले दी। सो सिंपल वे होगा, कोई ज़्यादा सही चीज ट्रिप और ट्रिक्स यूज नहीं करने, बिकॉज है ही करांगे भी पर वो लागू नहीं होंदियां जां वो यूज नहीं होंदियां, बिकॉज बहुत सारे चैनल्स कहिंदे कि साढ़े कोल ट्रिप्स ने ट्रिक्स ने, बट रियलिटी यह है कि अगर तुसी यूज़ करके देख लियो तो वह यूज़ होणगियां ही नहीं, वो किते भी लगदियां नहीं। रेयर चांस आ अगर एक अद्धा, बट मोस्टली नहीं लगदियां। कोई कुछ मर्जी कही जाए, तुसी अगर थोनू नहीं यकीन तुसी खुद आजमा के देख सकते हो। किसी भी चैनल पर जाओ, उतों टिप्स ट्रिक्स चको तो उन्हों यूज़ करके देख लियो, थोनू खुद पता लग जूगा कि वो किन्नियां क वैलिड ने या किन्नियां क यूज़ असी कर सकते हैं। तुसी पजल ही होगे, नो मोर, इस तो ज़्यादा होर कुछ नहीं। सो गल करते हैं हुण रूल्स की, कि रूल्स की कहिंदे आ। रूल्स कहिंदे आ कि पैसेज टाइप हुंदा एक, साडे कोल पैसेज आउंदा है, उस पैसेज ब्लैंक्स होंगे ने कुछ। फस्ट ऑफ ऑल 4 to 5 एग्जाम सानू मिलते हैं, है 4 to 5 आते हैं, 3 to 5 हर एक, 3 to 5 हर एक ब्लैंक्स होंगे है, और 6 to 8 सानू चॉइसिस मिलती हैं जिन्हें असी करैक्ट चूज करके भरनिया होंगे। नो टिप्स ट्रिक्स, कोई टिप्स ट्रिक्स यूज नहीं की, अपना माइंड गेम आ, माइंड सैट है, कंसनट्रेशन ही काम करेगी रीडिंग साड़ी। असी पहला फस्ट ऑफ ऑल पैसेज नू, पैराग्राफ नू पढ़ांगे ध्यान नाल कि वह की दस रहा है, पास्ट च है, फ्यूचर च है, प्रेजेंट है। फिर असी सेंस बनावांगे कि सेंटेंस की कह रहे हैं, हर एक फुल स्टॉप तक उन्होंने पढ़ांगे, दैन असी नीचों जो ऑप्शनस ने उन्होंने फिट करांगे। सो हुण असी प्रैक्टिस ते चलते हैं, प्रैक्टिस करांगे फिर थोनू क्लीयरली समझ आजूगी। सो चलिए हुण असी करदे हां आपां अपनी प्रैक्टिस। हाँ जी, हुण शुरू करदे हां प्रैक्टिस। रूल्स थानू मैं पहलां दस चुके हां, एक बार दोबारा रिपीट कर देना कि 4 to 5 सानू पेपर च मिलेंगे पैसेज, पैसेज टाइप होंदे आ, 3 to 5 उस पैसेज ब्लैंक्स होंदे आ, ते 6 to 8 सानू चॉइसिस मिलगी जिन्हां चों असी ऑप्शन चूज करके वह ब्लैंक्स दे विच भरने होंदे आ, यानी कि फिट करने होंदे आ, माउस दे हैल्प नाल असी उहनू उस ब्लैंक्स दे विच फिट करदे आ। सो ट्रिक्स ट्रिप्स कोई नहीं है, बहुत सारे चैनल्स कहते तो कि ट्रिप्स ट्रिक्स है यदियाँ साढ़े को, सानू देखो या कुछ फॉलो करो, बट इन पेपर जा एट अ टाइम तुसी देख लियो, खुद तुसी देख लियो अजमा के कि एक भी ट्रिक नहीं यूज़ होंगी, क्योंकि वो उत्थे ग्रामर थोड़ी जी यूज़ कर लेंगे, बट सिंपल पैसेजस आते जिमें थोनू मैं तुसी देख सकते हो स्क्रीन पर, इस टाइप के सानू पैसेज मिलेंगे। सो फस्ट ऑफ ऑल साडा काम की है, असी पैसेज नू रीड करना, सब तो पहले ध्यान नाल पैसेज नू रीड करो, देखो कि पास्ट च है या प्रेजेंट की गल हो, प्रेजेंट की तो चलो की गल होगी कर भी सकते हैं, बट फ्यूचर या पास्ट की गल होगी, मोस्टली पास्ट की होंगी है। पहले ध्यान नाल देखो कि किस चा प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर च। सो देखते हैं असी द ट्रांजिशन विच ऑकर्ड इन ब्रिटेन अराउंड 100 BC एंड आफ्टर 43 AD वैन द रोमन आर्मी डैश ब्रिटेन रिप्रजेंट द की पॉइंट्स ऑफ सोशियो इकोनमिक ट्रेंड इन ब्रिटेन पास्ट ड्यूरिंग द 1st century BC द ट्रेडिशनल कॉम्यूनल फॉर्म ऑफ लाइफ डैश रैपिडली टू अ वर्ल्ड वेयर सर्टेन इंडिविजुअल्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द 1st century AD ब्रिटेन डैश फुली अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। ओके, पास्ट की गल हो रही है, रोमन एम्पायर की गल हो रही है। ट्रांजिशन, फस्ट ऑफ ऑल ध्यान देखो क्या क्या ट्रांजिशन। ओके, द ट्रांजिशन विच अकर्ड इन ब्रिटेन अराउंड 100 BC जिहड़ा कहिंदा ट्रांजिशन होया सी ब्रिटेन दे विच 100 BC दे करीब आफ्टर 43 AD 43 तो बाद वैन रोमन आर्मी डैश ब्रिटेन। ओके, वैन रोमन आर्मी डैश ब्रिटेन, ऑप्शनस देखांगे, फस्ट ऑफ ऑल इन फुल स्टॉप तक पढ़ ली, रिप्रजेंट द की पॉइंट ऑफ सोशियो इकोनमिक ट्रेंड इन ब्रिटेन पास्ट। ओके, कहिंदा रोमन आर्मी डैश ब्रिटेन रिप्रजेंट, उन्हें रिप्रजेंट, ट्रांजिशन का मतलब होंदा है ट्रांजिशन करना या एक ट्रांजिशन एक जगह तो दूसरी जगह या ट्रांसफर, ये सेम ही वर्ड ने। सो रोमन आर्मी डैश ब्रिटेन रिप्रजेंट करती सी की पॉइंट ऑफ सोशियो इकोनमिक ट्रेंड, सोशियो इकोनमिक ट्रेंड इन ब्रिटेन पास्ट, ब्रिटेन पास्ट सोशियो इकोनमिक ट्रेंड को रिप्रजेंट करती सी। हुण ते जरा असी ऑप्शनस देख लिए की आ। ओके, ऑप्शन साढ़े को आए, इनवेडिड, शिफ्टिड, बिकेम, एंटेल्ड एंड लास्ट। पहला मैं थोड़ा इन्हों का मतलब दसदा, इनवेडिड का मतलब होंगे है किसी देश की सीमा च एंटर करना, ठीक है जी, हो सकता है चांस है गया
इतने ब्लैंक आ सकता शिफ्टिड शिफ्टिड हों एक जगह स्थान बदलना एक जगह तो दूसरी जगह जाना ओके बिकेम हों बन गए ठीक है शिफ्टिड चांस है बिकेम बन गए रोमन आर्मी बिकेम ब्रिटेन नहीं सेंस नहीं बन रही रोमन आर्मी शिफ्टिड ब्रिटेन हाँ चांस है गया इनवेडिड हों किसी एक देश चो दूसरे देश जाना ठीक है रोमन आर्मी इनवेडिड ब्रिटेन चांस ये भी है गया। ओके असी दो ऑप्शन चूज कर लिया हजे दो साढ़े को होर पे एंटेल्ड का मतलब होंगे उलझा हुआ एंटेल्ड का मतलब दोबारा दस देना उलझा हुआ नहीं आ सकता इतने है ही नहीं रोमन आर्मी एंटेल्ड ब्रिटेन मतलब रोमन आर्मी उलझी ब्रिटेन नहीं कोई सेंस नहीं बनती एन एन लार्ज का मतलब होंगे बड़ा हुआ मतलब वधिया होया ता रोमन आर्मी एनलार्ज्ड ब्रिटेन नहीं ये भी कोई सेंस नहीं बन गई हुण ध्यान नाल दोबारा असी पढ़िए द ट्रांजिशन विच अकर्ड इन ब्रिटेन अराउंड 100 BC एंड आफ्टर 43 AD वैन द रोमन आर्मी इनवेडिड ब्रिटेन मतलब कि जदों रोमन आर्मी एक देश तो दूसरे देश रोमन आर्मी इनवेंटेड का मतलब सही कहां तो शॉर्ट फॉर्म च एंटर कि एंटर होना रोमन आर्मी एंटर ब्रिटेन शिफ्टेड नहीं हुई सी एंटर हुई सी किहदे करके वो जो सोशो इकोनॉमिक ट्रेंड के की पॉइंट से उन्होंने रीप्रजेंट करना तो पहला साडा आऊगा इनवेटिव ओके सैकेंड देखते फुल स्टॉप दा ड्यूरिंग द 1st century BC द ट्रेडिशनल कॉमनल फॉर्म ऑफ लाइफ डैश रैपिडली टू अ वर्ल्ड वेयर सर्टेन इंडिविजुअल बिकम मोर इंपोर्टेंट कहिंदा जो फर्स्ट सेंचुरी सी ट्रेडिशनल कॉमनल फॉर्म ऑफ लाइफ डैश रैपिडली होंदा बहुत जल्दी टू अ वर्ल्ड वेयर सर्टेन इंडिविजुअल बिकम मोर इंपोर्टेंट जिथे उस वर्ल्ड वल रैपिडली बहुत तेजी नाल जिथे इंडिविजुअल बिकम मोर इंपोर्टेंट इंडिविजुअल्स जेड़े सी वो बहुत इंपोर्टेंट हो गए सी रैपिडली मतलब बहुत तेजी नाल द कॉमनल फॉर्म ऑफ लाइफ शिफ्टेड का मतलब होंगे स्थान बदलना या एक जगह से दूसरी बदलना ये भी आ सकता चांस है बिकैम फॉर्म ऑफ लाइफ बिकैम रैपिडली नहीं बहुत तेजी नहीं आ सकता बिकैम एंटेल्ड मतलब होंगे उलझा हुआ नहीं फॉर्म ऑफ लाइफ एंटेल्ड उलझी तेजी नाल नहीं बिकॉज अगर तुम ध्यान देख सकते हो इंडिविजुअल बिकम मोर इंपोर्टेंट असी पूरा सेंटेंस पढ़ना है फुल स्टॉप तक एंड लार्ज मतलब होंगे बड़ा हुआ तो आ ही नहीं सकता सो ड्यूरिंग द 1st century BC द ट्रेडिशनल कॉमनल फॉर्म ऑफ लाइफ शिफ्टिड देख सकते हो शिफ्टिड रैपिडली टू अ वर्ल्ड वेयर सर्टेन इंडिविजुअल बिकम मोर इंपोर्टेंट सो एक सेंस भी बन रहे ड्यूरिंग द 1st century BC द ट्रेडिशनल कॉमनल फॉर्म ऑफ लाइफ शिफ्टिड रैपिडली टू अ वर्ल्ड वेयर सर्टेन इंडिविजुअल्स बिकम मोर इंपोर्टेंट ओके लास्ट ड्यूरिंग द 1st century AD ब्रिटेन डैश फुली अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर बिकेम साढ़े को तीसरा ऑप्शन है बिकेम मीनस की हो सकता है बिकेम बन गए एंटेल्ड तो उलझा होता इतने आ ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने की क्या 1st century ब्रिटेन की बन गया फुली अ पार्ट ऑफ एम्पायर बन गया देखो तुम ऑटोमैटिक ही मुँह चो एक सेंस आ रही है कि बन गया ब्रिटेन की सी बन गया तो सिंपल इतने बन गए का मतलब की सी बिकेम ओके सो ए सी और आंसर सी साढ़े देख सकते हो तुम इनवेडिड शिफ्टिड बिकेम असी तीन ऑप्शन साढ़े यही सी और इस तरह असी ਭਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਰੂਲਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 to 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 4 to 5 ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ 3 to 5 ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 3 ਜਾਂ 4 ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਮਾਰਕਸ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਮਾਰਕਸ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ये सैकेंड प्रैक्टिस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग दे हुण देखदे आ कि इहदे च असीं किस तरह सैकेंड नूं पढ़ांगे उसी तरह असीं सेंस यूज़ करांगे। ये जो इहदा टॉपिक है सैल्फ डिफीटिंग हैबिट्स, डोंट अलो योर सैल्फ टू स्लिप इन टू सैल्फ डिफीटिंग हैबिट्स सच एज प्रोक्रास्टिनेटिंग। ओके, सैल्फ डिफीटिंग हैबिट्स जिहड़े सानू खुद नूं हरा देंदे उस तरह दी हैबिट्स यानी कि खराब आदतां, ठीक है जी। Try to keep a dash going in your study. Okay, options देख लिए पहले आपां। Option है साडे कोल creep, progressive, status, escape, advancement, momentum. Okay, creep दा मतलब हुंदा रेंगना, या कह लो रेंगना मतलब भजना या किसी चीज़ तो भजना, ठीक है जी। मोमेंटम होंदा साढ़े को किसी चीज़ नूं लगातार मोमेंटम दे नाल करना। सी स्टेटस साड़ी स्थिति, इस तरह की स्थिति है साड़ी। एस्केप होंदा है भग दड़ या भज जाना, और इवानसेंट होंदा साड़ा लुप्त हो जाना यानी कि गैब हो जाना, ठीक है जी। सो ए सी साढ़े जो ऑप्शनस के मतलब उस तरह के असं ध्यान देखांगे। ट्राई टू कीप अ डैश गोइंग इन यूअर स्टडी, कि अपनी स्टडी नूं की करो तुसी ट्राई करो कि तुसी कॉन्टीन्यू रखो। कॉन्टीन्यू मीनस कि कॉन्टीन्यू मोमेंटम जारी रखो कि असी इक्को मोमेंटम दे नाल जाने कि कॉन्टीन्यू अपनी स्टडी करते रहिए। सो क्रीप का मतलब थोड़ा सा रेंगना इतने नहीं आ सकता, हाँ जी ठीक है जी। और स्टेटस स्थिति नहीं आ सकता, सॉरी प्रोग्रेसिव का मतलब रह गया मेरा प्रोग्रेसिव, काफ़ी प्रोग्रेसिव होना है ना, प्रोग्रेस करनी किसी चीज़। सो ट्राई टू कीप अ मोमेंटम, फस्ट जाऊगा मोमेंटम, तुम ध्यान देख सकते हो ए सेंस। ट्राई टू कीप अ मोमेंटम गोइंग इन योर स्टडी, कि एक मोमेंटम अपनी स्टडी बना के रखो। स्कैटर ब्लॉक्स ऑफ स्टडी विद शॉर्ट ब्रेक टू लिमिट फटीग, मीनस कि कल थोड़े थोड़े जे ब्लॉक रखो शॉर्ट ब्रेक्स से ताकि थको ना जी बोर ना हो। फटीग मतलब होता थक जाना या थकना। इफ यू स्टडी सडनली फॉर अ कपल ऑफ आवर्स मेक श्योर यू गिव योर सैल्फ 15 मिनट्स और सो बिफोर यू स्टार्ट अप अगेन, कहना कि अगर तुम स्टडी सॉलिडली कर रहे हो कपल ऑफ आवर्स तो तुम अपने आप को 15 मिनट्स दो, रेस्ट दो अपने आप को, ता जो तुम दोबारा स्टार्टअप अगेन कर सको। थिंक पॉजिटिवली अबाउट योर सैल्फ, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहो तुम अपने आप लिए एंड योर सिचुएशन, और अपनी सिचुएशन को भी पॉजिटिवली ही रखो। चैलेंज द नैगेटिव थॉट डैट, चैलेंज करो कहना नैगेटिव थॉट्स नू। क्रीप हुंदा रेंगना बहुत तेजी नाल होना, प्रोग्रेसिव नहीं आ सकता इत्थे, स्टेटस स्थिति भी नहीं आ सकती क्योंकि चैलेंज द नैगेटिव थॉट डैट इन टू क्रीप ना होना आना, क्रीप का मतलब होंगे रेंगना किसी चीज़ वाल जाना, तो चांस है क्रीप दे आने भी। एस्केप हुंदा भग तड़ भजना नहीं आ सकता, इवन सेट हुंदा गैब हो जाना नहीं वह भी नहीं आ सकता, तो इतने साढ़े को आऊगा क्रीप, सॉरी फस्ट वाले तो आना सी साढ़े मोमेंटम, सैकेंड वाले तो आऊगा साढ़े क्रीप। इन टू योर माइंड एंड कॉज अनसैसरी स्ट्रेस एट टाइम, कि जो थोड़ा रेंगता होया तुहाडे चैलेंज द नैगेटिव थॉट डैट क्रीप इन टू, उन्होंने कहना नैगेटिव थॉट्स नू चैलेंज करो जिहड़े तुहाडे माइंड वल भज्जे आउंदे एंड कॉज यू अनसैसरी स्ट्रेस, और जिहड़े थोनू स्ट्रेस दे देंदे आ, सच एज आई एम गोइंग टू फेल, आई लाइक जिवें तुसीं कह सकदे हो कि नहीं मैं हार रहा वा जां मैं फेल हो रहा वां इस काम नू करन च, आई एंड अप ब्लोइंग माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर नू खराब कर रहा, या माई चेंज ऑफ गैटिंग अ करर करियर, या मैं अपने चेंज करियर नू चेंज कर। यू डोंट हैव एनी नीड टू थिंक कैटास्ट्रोपिकली, कि सानू इन्ना दूर की सोचने की या सानू इन्ना फालतू सोचने की लोड़ नहीं। इट्स नॉट अचीविंग एनीथिंग, इस नाल असीं कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इनफैक्ट इट्स डूइंग यू अ लोट मोर हार्म दैन गुड बिकॉज इट्स डिस्ट्रैक्टिंग यू अवे फ्रॉम वट यू नीड टू, बिल्कुल ये थानू डिस्ट्रैक्ट करता है। लर्न टू बिकम मोर रिलैक्सड इन योर डेली लाइफ, हमेशा रिलैक्स रहो अपनी डेली लाइफ। देयर आर सिंपल टेक्निक सच एज ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड डैश मसकुलर रिलैक्सेशन। हुण इत्थे की होगा, इत्थे आऊगा साडा प्रोग्रेसिव, देखो क्योंकि प्रोग्रेसिव मसकुलर रिलैक्सेशन प्रोग्रेसिव हुंदा एक वधिया प्रोग्रेसिव तरीके दे नाल, ठीक है जी।
सो एसी साडा नैक्सट अगे पढ़ने की लड़ नहीं क्योंकि साढ़े ऑप्शन हो चुके हैं। सो अगर ये आंसर्स देखने ने तो आंसर्स देख सकते हो मोमेंटम क्रीप प्रोग्रेसिव ए ने आंसर। तरीका बिल्कुल सिंपल है, मोमेंटम क्रीप एंड प्रोग्रेसिव तुसी देख सकते हो यही साढ़े इन्हों जो आंसर्स। सो यही सिंपल तरीका करन दा, तुसी अपने माइंड कंसंट्रेट करो, सो सेंस बनाओ, जो सेंस आ रही है उस तरीके असं फिल करिए इनू तो मार्क्स साढ़े आ जाएंगे। औखा कुछ नहीं आ, ये सिर्फ साढ़े मन का वहम होंगे। सो अपने आप में थिंक पॉजिटिव, जिमें फिल इन द ब्लैंक्स किया गया सी थिंक पॉजिटिव एंड इन्हों कर सकते हो। सो यी साढ़े अज की वीडियो, आई होप थोनू समझ आ गई होगी। फिर भी जो थोड़ा कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो तुम कमेंट सैक्शन दस सकते हो कोई भी हो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग PTE ट्रेनर। सत श्री अकाल।